हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं हूं भाविन गोहिल और अभी मैं हूं वैष्णो देवी में। तो इस वीडियो में वैष्णो देवी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो शुरू करते हैं वैष्णो देवी की अद्भुत यात्रा, बने रहे मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। अक्सर हमें इस मार्ग से जाना होता है लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद है क्योंकि पत्थर गिरने का काफी डर है और आगे पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है, तो रास्ता बंद है, तो यहाँ से आगे जा नहीं सकते। तो इसी तरह से पन्नियां बिछा कर हम सोने वाले रात के टाइम। ये है निक्की की हॉट सीट। तो ये है अर्ध कुंवारी का नजारा, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बादल पूरे नीचे तक आ चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने त्रिकुटा पर्वत का हूबहू एक नक्शा बना रखा है और यहाँ से पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है। तो ये है भैरव घाट का एक नजारा। क्योंकि समय हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं और अभी जस्ट हम जो है नहा धो के रेडी हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज है 9th of July और हम अभी है हरिद्वार स्टेशन पर और यहाँ से हम जा रहे हैं वैष्णो देवी हेमकुंड एक्सप्रेस पर। मेरे साथ है मेरी वाइफ गौरी, काफ़ी एक्साइटेड है। मेरी तो खैर ये 5वीं माता जी की वैष्णो देवी की ट्रिप है लेकिन गौरी के साथ कितनी है, 2nd है। बारिश यहाँ पर फुल है अभी, देख सकते हो आप। अब बस ट्रेन का वेट कर रहे हैं, देखो ट्रेन कब तक आती है। और फुल बारिश हो रही है और हमारी ट्रेन जस्ट अभी आ गई है, एग्जैक्टली थोड़ी सी दूर है वहाँ पर, बस आने वाली है और फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। ये है हेमकुंड एक्सप्रेस जो कि यहाँ से जाएगी वैष्णो देवी कटरा। फीलिंग वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड बोथ ऑफ अस। ओके, सो फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं। ये है हमारी पूरी फैमिली, जीजा जी, मम्मी, दीदी और ये निकी। तो ये है पीयू। पीयू कैसे हो आप बेटा, ठीक हो? वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और बारिश हो रही फुल भयंकर वाली बारिश। ओके, सो फाइनली हमारी ट्रेन बस चल पड़ी है यहाँ हरिद्वार से और ये है हरिद्वार स्टेशन। काफ़ी सारे यात्री यहाँ पर है, अपने 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 अपनी ट्रेन का आने का वेट कर रहे हैं। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हम सब अभी सेट हो चुके हैं, एक सीट पर दो दो लोग सेट हो चुके हैं क्योंकि टिकट वेटिंग में है, तो क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ पर मैं और गौरी साथ में सो रहे हैं यहाँ, ये किसी और की सीट हमारी नहीं है। यहाँ पर काव्या दीदी है, हेलो, हे डिड्डू। यहाँ पर मम्मी और निकी है, शिवानी यहाँ पर है देवा के साथ और जिया जी हमारे ऊपर है। तो आ गए हम फाइनली कटरा स्टेशन पर और ये थी हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस की जर्नी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और सभी के साथ शेयर भी कर देना। जय माता दी। तो अभी हम है कटरा बस स्टैंड पर, यहाँ से हमने पर्ची कटाई, अभी हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। ओके, सो ये है हमारी माँ का पर्वत, इस पहाड़ का नाम है त्रिकुटा पर्वत। और जहाँ तक सवाल यात्रा पर्ची की है, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको यात्रा पर्ची निकालनी है तो कटरा बस स्टैंड से ही आप यात्रा पर्ची निकालें। और अभी का माहौल काफ़ी बहुत ही एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, क्योंकि बारिश फुल हो रही है यहाँ पर और बादल आप देख सकते पूरे काले काले, यानी ऊपर भी बारिश फुल होगी। अभी हम कुछ देर के बाद पहुँचेंगे बाणगंगा, जहाँ से हमारी असली में चढ़ाई स्टार्ट होगी और बाणगंगा यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर और भी है। ओके, एक और बात मैं आप सबको बता दूँ कि अपने साथ ज़्यादा सामान को कैरी ना करें, वरना आपको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सामान वही लेकर जाए जिसकी आपको ज़रूरत है। बाकी लोकल रूम की सुविधा सब जगह उपलब्ध है, बाकी सामान आप लोकल रूम में रख सकते हो। और हमारा सबसे छोटा यात्री अयांश अभी सो चुका है,
निकिता जो है उसको लेके जा रही है। और ट्रैफिक बहुत है रास्ते में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जाम हो चुका है हाल फिलहाल तो, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है और आज नवमी है जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज्यादा है यहाँ पर हाल फिलहाल। हाँ, तो बाण गंगा आने से पहले अभी एक बहुत ही सबसे बड़ी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और लाइन देख के लग रहा है कम से कम 2 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा। तो बस अब देखते हो कब नंबर आता है, अभी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं और यहाँ पर कई जगह पर इस तरह के स्टूडियोज बने हुए हैं जहाँ पर सेम टू सेम जो माँ की मूर्ति की प्रतिमा है वो उस तरह का सजाया गया है जहाँ से आप अपनी एक फोटो भी ले सकते हो। सो लाइन में लगे हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। अब हमें थोड़ा वहाँ तक ही खाली कवर करना है, यानी ज़्यादा लाइन इतनी है नहीं। अब आगे से एक यू टर्न लेना है, यू टर्न से हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये है मेन बाण गंगा, यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट होगी। और बंदर महाराज यहाँ पर अपनी करामत करते हुए, और एक बात यहाँ पर काफ़ी गलत हो रही है, जैसे कि हम तो लाइन में लगे हैं लेकिन कई सारे लोग ऐसे जो बिना लाइन के आगे जा रहे हैं, जैसा उनको नहीं करना चाहिए। बोलो बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चलो फाइनली जैसे जैसे करके हम लोग बाण गंगा के बहुत ही करीब आ गए। अब महज 15-20 मिनट का और डिस्टेंस है, फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक बार मेरे साथ जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सो ये है बाण गंगा का चेक पोस्ट, यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, कुछ भी पान मसाला गुटखा अगर आपके पास होगा तो वो निकाल दिया जाएगा। और जो यात्रा पर्ची आपने निकाली थी वहाँ पर, वो यात्रा पर्ची हमें यहाँ पर दिखानी होती है, इसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो बाण गंगा से पार होकर अभी हम आगे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हो ये बाण गंगा का है। मान्यता ये है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तब माता जी ने एक बाण की मदद से यहाँ पर गंगा को उत्पन्न किया था ताकि हनुमान जी को अपनी प्यास बुझा सके, इसकी वजह से इस एरिया का नाम पड़ा है बाण गंगा। तो यहाँ पर है बाण गंगा का स्नान घाट और कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी बाण गंगा का, हालांकि पानी इतना साफ नहीं है। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं बाण गंगा में नहाने के लिए। हम सब ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हम खाली नहाएंगे नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे यहाँ पर और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये है बाण गंगा का कुछ नज़ारा अभी का। तो बाण गंगा में अभी काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर और हर कोई जो है अपनी मस्ती में है और बहुत ही उमंग और उल्लास से जो है बाण गंगा में नहा रहे हैं। लोग यहाँ पर मस्ती करते हुए नाश्ते खाते जा रहे हैं, जय माता दी। बाण गंगा से आगे बढ़ते हुए हमें सबसे पहले मिलता है वो है प्रथम मंदिर, चरण पादुका मंदिर। चरण पादुका मंदिर का जो रहस्य है वो ये है कि यहाँ पर माँ वैष्णवी के चरण चिन्ह जो होते हैं वो पड़े थे, जिसकी वजह से इसका नाम चरण पादुका रखा गया। अब बढ़ते आगे देखते आगे हमें और क्या देखने को मिलता है। और अगर गौरी की बात करूं तो जब शुरुआत हुई थी चढ़ने की तब ये बहुत स्लो थी और अब ऐसा वक्त आ चुका है कि ये आगे बढ़ रही है, मैं इसके पीछे हूँ। कुछ भी कहो, गौरी में स्टेमिना तो है चलने का, मानना पड़ेगा। सो मैंने गौरी से पूछा कि इतना स्टेमिना कहाँ से आया, तो गौरी का कहना है जयकारा करते जाओ और चलते जाओ। है गौरी, जय माता दी, जय माता दी, जय हो। हाँ, तो अगर मैं घोड़े और खच्चर के किराए की बात करूं तो बाण गंगा से अर्धकुंवारी तक का जो घोड़े का रेट है वो है 650 रुपये और बाण गंगा से भवन तक के जो घोड़े का किराया, जो घोड़े का रेट है वो है करीबन कुछ 1250 रुपये। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि जो मज़ा पैदल जाने में वो घोड़े पे नहीं है। वेल, इट्स योर चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सो करीबन 3 घंटे चलने के बाद हम सब ने लिया है छोटा सा ब्रेक। काव्या दीदी जरा भी थकी नहीं है, वो फुल स्टेमिना में अभी। शिवानी वहाँ पर बैठी हुई है, वो बिल्कुल थकी नहीं है, फुल स्टेमिना में। और ये है हमारा डुड्डू अयांश, अयांश भी यात्रा कर रहा है आज पहली बार। अयांश के मौसा जी में जरा भी स्टेमिना नहीं है भाई, अयांश के मौसा जी में जरा भी स्टेमिना नहीं है। मेरे पास मेरा पिट्ठू पहले से, ये रहा मेरा पिट्ठू, एक बैग भरी हुई है पूरी, इससे ज़्यादा मैं कुछ लेके नहीं जा सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते आगे
हमें क्या मिलता है नज़ारा देखने के लिए। अभी हम अर्धकुंवारी पहुँचे नहीं है, अर्धकुंवारी में और शायद 2 किलोमीटर और है, 12 बज चुके हैं, 2-2.5 बजे तक अर्धकुंवारी पहुँच सकते हैं और शाम तक भवन पहुँचना है किसी भी कीमत पर। चलो फिर स्टार्ट करते चलना, ठीक है, बहुत हो गया रेस्ट। चलो जय माता दी, जय माता दी। और हमारी जो निकी है, निकी के जूते बेचारे टूट गए, तो निकी की यात्रा नंगे पांव हो रही है। अभी नए जूते हैं, लेकिन ये जूते में डंक लग रहा है इसको बेचारे को ना, तो उसका अंगूठा सूज गया। हाल फिलहाल नंगे पे यात्रा हो रही है। बस तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो गई, डन हो गए, डन। अभी जो ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो निकी से पूछते हैं, निकी का ये पहला एक्सपीरियंस है। तो निकी, तुम्हें अभी तक कैसा लगा, तुम्हारा सफ़र कैसा रहा अभी तक? जीजू, सफ़र तो काफ़ी अच्छा था, बट ये है कि थोड़ी थकावट हो रही है, थोड़ी क्या, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो रही है। बाकी लोग पीछे हैं, बाकी लोग आधे हैं, हम बीच में हैं। हाँ, सब इधर उधर हो चुके हैं, हम 8-10 लोग हैं, 4-5 आगे हैं, 2-3 पीछे हैं, हम दोनों बीच में हैं। और निकी का ये पहला एक्सपीरियंस है, तो पहली बार चढ़ने में थकान तो लगती है, तो इसी तरह से हंसते खेलते हमारी यात्रा हो रही है। ओके गाइस, आपको मैं मेरी और गौरी की एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हम एक दूसरे को डांटते हैं, तो मैं गुजराती हूँ और ये यहाँ से, तो मैं इसको गुजराती में बोलता हूँ, मैं छान मारी दारू काम करना हुए झाड़ू तेरे हाली मड़ी शाम थे वगैरह वगैरह। और ये एक अलग ही लैंग्वेज, इसकी पता नहीं क्या है वो, आस मजे तास मजे पचास खचास खचास, यही तो यही है ना, इसके कोड पर मुझे समझ में आता है ना, मेरी लैंग्वेज इसको समझ में आती है, तो हम दोनों एक दूसरे को डांट के निकल जाते हैं। दोनों खुश, झगड़े नहीं होते, नहीं, दोनों खुश, दोनों खुश। ओके, सो अर्धकुंवारी में महस अभी 1 या 2 किलोमीटर बाकी है, और अभी मैं आपको एक नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ जम्मू का, जस्ट हैव अ लुक। ये एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा जम्मू सिटी का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, सॉरी कटरा सिटी का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और काफ़ी सारे घोड़े यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा हम रेस्ट के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं मैं और गौरी। और आप यहाँ पर पालकी में भी जा सकते हो, पालकी का जो किराया है वो करीबन 4,000 रुपये है। हाँ, तो टाइम हो चुका है, दिन के 1 बज चुके हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर अभी और बाकी है माँ का भवन, यानी कि और 4 घंटे हमें चलना है। अर्धकुंवारी से अगर आपको भवन तक घोड़ा करवाना है, तो घोड़े का जो किराया है वो 650 रुपये का है, यानी अगर आपको आधा चलना है और यहाँ से घोड़े पे जाना है, तो 650 रुपये आपको घोड़े के देने होंगे। ओके, सर, अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक भवन वाया हिमकोटी और भवन वाया हाथी मठा मार्ग। अक्सर हमें इस मार्ग से जाना होता है, लेकिन यहाँ पर रास्ता बंद है क्योंकि पत्थर गिरने का काफ़ी डर है, और आगे पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है, तो रास्ता बंद है, तो यहाँ से आगे जा नहीं सकते। यानी अगर आपको जाना होगा तो आपको 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलकर यहाँ से जाना होगा। चलो फिर अब इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी पर, और अभी जो नंबर चल रहा है वो 490 नंबर चल रहा है, और हमने जो नंबर लिया है अभी का वो 650 नंबर है, यानी हमारा गर्भ गुफा जाने का जो नंबर है वो कल रात को आने वाला है। यानी हमें करना होगा कि अभी हम मंदिर में चढ़ाई शुरू करेंगे ऊपर माँ के भवन से, फिर भैरव जी के यहाँ पर, और कल दोपहर तक हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर रुकेंगे, और कल रात को हम जो है गर्भ गुफा में जाएंगे, और परसों सुबह हम यहाँ से नीचे उतरने की शुरुआत करेंगे, और परसों शाम की हमारी ट्रेन है, तो पूरा रूटीन हमने सेटअप करके रखा हुआ है। हाय, तो अगर आप लोग जब भी यहाँ पर आओ, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले अर्धकुंवारी आकर पर्ची कटा लो, ताकि जो है जब आप भवन से भैरव जी से नीचे आओगे तब तक आपका नंबर आ जाएगा, ताकि आपका टाइम से हो जाएगा। चलो फिर हमें थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोग ऊपर चलते हैं माँ के पास, देखते कब तक पहुँचते हैं। अभी टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि 5, 5:30, 6 तक पहुँच जाएंगे हम लोग। हाँ, तो अर्धकुंवारी में पर्ची कटाने के बाद अभी हम भवन की तरफ अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं। तो यह है अर्धकुंवारी का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बादल पूरे नीचे तक आ चुके हैं और बारिश होने की फुल संभावना है। और यहाँ पर इन्होंने त्रिकुटा पर्वत का हूबहू एक नक्शा बना रखा है, किस तरह से रास्ता कहाँ से कहाँ निकल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। और ये रूट में जाने का एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि रास्ता बहुत नैरो है, छोटा सा है, और इसी रास्ते पर घोड़े भी चल रहे हैं, खच्चर भी चल रहे हैं, और पैदल यात्री भी चल रहे हैं।
और अयांश को निकिता ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रखा है। अरे डिटू 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 बेटा, जब ये निकिता जब बुढ़ी होगी ना तब इसका ध्यान रखना है तुझे, समझ गया ना? वरना पिट्टी पड़ेगी पिट्टी। सो कुछ इस तरह से होले होले धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और भवन को जाने के लिए अभी भी करीबन 2.5 किलोमीटर और है। और अभी का अगर आपको मैं बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाऊं, पूरे बादल बादल आ रखे हैं यहाँ पर और धुंधला धुंधला सा पूरा एटमॉस्फेयर हो चुका है। और यही एक रोमांचक नज़ारे को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। करीबन 2.5 किलोमीटर और भी है और कहाँ हम 2.5 किलोमीटर के चक्कर में थे, यहाँ पर भवन का रास्ता 3 किलोमीटर और भी है और आखिरकार फाइनली हमें माँ का भवन दिख ही गया। सो ये जो मंदिर है ये माँ का मंदिर है, हमें वहाँ तक जाना है अभी। और माँ के भवन से ही हमें एक बहुत ही एक अविस्मरणीय व्यू मिल रहा है रोपवे का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे किस तरह से रोपवे जो है एक केबल के ऊपर लटक कर ऊपर जा रही है और इसी के सामने एक और रोपवे जो है वो वहाँ से नीचे भी आ रही है। आपको बता दूँ कि माँ के भवन से भैरव जी का जो रास्ता वो 3 या 4 किलोमीटर का है, जिसको पूरा करने में 4 घंटे का वक्त लगता है, वही वक्त इस रोपवे में महज 2 मिनट में आप पूरा कर सकते हो। तो ये है रोपवे का एक बहुत ही मज़ेदार व्यू। बादलों के बीच में से रोपवे जाती हुई। टाइम हो गया अभी 5:30 बज चुके हैं, हमने सुबह करीबन 10 बजे चलना स्टार्ट किया था और 5:30 बजे हम भवन तक पहुँचे चल कर वो भी। और अभी का अगर मैं आपको बात करूँ तो अभी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पर है। ओके, समय हो चुका है, 7:00 और अभी जस्ट हम जो है नहा धो के रेडी हो चुके हैं। नहाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाथिंग घाट है उसका इस्तेमाल किया है जो पूरा फ्री में है। हालांकि इसमें ये है कि एक ओपन बाथरूम है जहाँ पर एक ऊपर से पानी का मतलब एक पाइप पर पानी आ रहा है और 3-4 लोगों के साथ में नहा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नहाना होगा अगर आपको फ्री में नहाना है तो। या तो फिर आप कालिका भवन जो है यहाँ पर आप एक कमरा ले सकते हैं जिसका किराया कम से कम जो है 2500 रुपये का है और उसमें आप नहा सकते हैं। या तो फिर आप खुले में नहाने का मजा ले सकते हैं जैसे कि ये सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। सो फाइनली नहाने के बाद गौरी भी आ चुकी है यहाँ पर। तुम बहुत अच्छी लग रही हो, टेंशन मत लो मैं हूँ ना। सो सब लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, अभी हम जाएंगे माँ के दर्शन के लिए, फिर वहाँ से जाके भैरव जी, वहाँ से वापस नीचे आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर रुकेंगे और कल सुबह हम यहाँ से नीचे जाने की शुरुआत करेंगे। अब टाइम हो चुका है 7:45 बज चुके हैं, अंदाजित 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे शायद। सो मौसम पूरा धुंधला धुंधला हो चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। ये है हमारा पूरा परिवार, सबसे मिलिए। हेलो मम्मी, निकी, देवा, जीजा जी और मैं। सो फाइनली 8 बज चुके हैं और अभी मैं और मेरा पूरा परिवार हम माँ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और अभी लगता है करीबन 1/2 घंटे में हमारे दर्शन भी हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं भैरव जी के लिए हम अभी चलेंगे या सुबह चलेंगे, कुछ कन्फर्म नहीं है, विल टेल आफ्टरवर्ड्स। बस वी आर वेरी हैप्पी कि अभी माँ के दर्शन हो रहे हैं फाइनली। ओके फ्रेंड्स, तो दर्शन के बाद समय हो चुका है, 1:01 बज चुके हैं और अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ही अब क्या करें, देखो पूरा माँ का भवन ही है और कमरा हमें मिला नहीं कहीं पर, तो हमने सोचा कि बाकियों की तरह हम भी अब यहाँ पर ही अपना बसेरा डालते हैं, तो इसी तरह से पन्नियाँ बिछा कर हम सोने वाले रात के टाइम। तो ये हमारी लाइफ का बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस हो चुका है, बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस। निक्की को देखो, निक्की को बहुत अच्छी सीट मिल चुकी है वहाँ पर, बढ़िया से एकदम। तो ये है निक्की की हॉट सीट। निकी कोई उठा के चलना जाए तुझे, देखा जरा। सो ये हो गया हमारा मास्टर बेड विथ अटैच टॉयलेट बाथरूम, कहीं भी करो। बस अगर गलती से बारिश आ गई तो रात को सोते सोते हम सबको भागना पड़ेगा कि सारा पानी जो है यहाँ से बहते हुए आएगा हमारे ऊपर, देखो क्या होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली सुबह के बज चुके हैं 7:15 और हम लोगों ने यहाँ से वाइंड अप कर लिया है, हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। सो अब हम जो है भैरव जी की यात्रा शुरू करेंगे, उसके बाद नीचे उतरेंगे, देखते हैं हमारी यात्रा कब तक पूरी होती है। सो आखिरकार हम रोपवे की लाइन में आ चुके हैं और क्यू काफ़ी लंबी है। रोपवे का किराया 100 रुपये का है जिसमें आपको आना और जाना दोनों हो जाता है।
सो टिकट खरीदने के बाद आखिरकार हम रोपवे की क्यू में आ चुके हैं और ये है रोपवे। वाह कितनी अच्छी लग रही है ये। और आपको बता दूं कि अगर आप भवन से भैरव जी चल के जाते हो तो करीबन 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको लगेगा कम से कम 3 से 4 घंटे। उसी 3 से 4 घंटे को अगर आप रोपवे में कवर करते हो मतलब उसी डिस्टेंस को तो केवल 2 मिनट में आप यहाँ से भैरव जी पहुँच सकते हो, केवल 2 मिनट के अंदर। तो ये सबसे खास बात है इसकी रोपवे की। फाइनली हम आ गए रोपवे स्टेशन के पास। ये है रोपवे के अंदर का मैकेनिज्म। बाप रे। तो फाइनली हमें अभी रोपवे के प्लेटफॉर्म पर और वहाँ ऊपर से रोपवे आ रही है और रोपवे आ गई फाइनली हमारी। और ये आ गई हमारी रोपवे प्लेटफॉर्म पर आते हुए। फाइनली हम आ चुके रोपवे के अंदर। दिखेगा तुम्हें। ओके फाइनली हमारी रोपवे ऊपर जा रही है अभी। और ये पीछे माँ का भवन। जय हो भैरवनाथ की। वाओ पहाड़ों का व्यू कितना अच्छा लग रहा है यार। भैरवनाथ की जय। भैरवनाथ बाबा की। तो ये पूरा जो पर्वत है इसका नाम है त्रिकुटा पर्वत। ये जो पर्वत है इसका नाम है त्रिकुटा पर्वत जो हमारी माँ का पर्वत है। तो ये है भैरव घाट का एक नजारा। लुक एट द माउंटेन्स। एक बहुत ही वाइब्रेंट पहाड़ का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों अभी समय हो चुका है, दिन के 12:30 बज चुके हैं और भैरव जी के दर्शन के बाद अभी हम और हमारा पूरा परिवार जा रहे हैं अर्धकुंवारी। कल हमने आते वक्त अर्धकुंवारी से कूपन निकाला था, देखते आज हमारा नंबर कितने बजे आता है उसका। हालांकि आज रात का टाइम उन्होंने दिया था, पता नहीं रात तक नंबर आएगा नहीं आएगा, देखते क्या होता है। ओके सो अब समय हो चुका है, दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं ऊपर। ओके सो दिन के बज चुके 2:30 और अभी जो नंबर चल रहा है वो 650वां नंबर चल रहा है। एग्जैक्टली हमारा ही नंबर चल रहा है, हम एग्जैक्टली 2:30 बजे पहुंचे यहाँ पर और लकीली हमारा ही नंबर चल रहा है, यानी अब हमें वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब हम तुरंत ही जब ये गेट खुलेगा इसका तो पहले हमारा ग्रुप अंदर जाएगा, मतलब हमारे ग्रुप में हमारे साथ और भी 30-40 और भी होंगे। और अर्धकुंवारी का अभी का आपको नज़ारा दिखाऊँ तो बादल पूरे नीचे है, एक बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है यहाँ का अभी फिलहाल। Look at the people, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर और बारिश होने की पूरी संभावना है, बादल पूरे काले काले हो रखे हैं। अगर बारिश होती है तो यहाँ तुरंत भागना पड़ेगा सामान उठाकर। ओके सो अब बज चुके हैं 10:00 और आपको अर्धकुंवारी का एक दृश्य आपको बताते हैं। जैसा आप देख सकते हो कि कितने लोग हैं जो ऐसे ही आसमान के नीचे यहाँ पर सोए हुए हैं और सभी लोग जो है यहाँ पर गुफा के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनका नंबर किसी का कल आने वाला है, किसी का आ चुका है, किसी को भवन की तरफ जाना है, किसी को नीचे जाना है, तो हर एक यात्री यहाँ पर आराम विश्राम कर रहा है। ओके सो यहाँ पर बना है बाथिंग घाट बाण गंगा का, यहाँ पर हजारों लोग हर रोज नहाने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हो कि अभी कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहाने का मजा ले रहे हैं यहाँ पर। लोग जो है यहाँ पर फोटो भी खिंचा रहे, नहा भी रहे और यहाँ से पानी बहता हुआ नीचे जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। इन सबको देखकर मेरा भी नहाने का मन करा लेकिन अभी नहा नहीं सकते। बहुत ही बेस्ट जगह है नहाने के लिए स्पेशली। तो ये थी हमारी वैष्णो देवी की यात्रा, यहीं पर हमारा ब्लॉग हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। Thank you very much for watching this vlog. Thank you very much all.